गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा वी विल वेट फॉर 1 और 2 मोर मिनट बेटा। हाँ, देन विल स्टार्ट अ क्लास। ठीक है, अभी लेट अदर गाइस ज्वाइन द क्लास बेटा। स्टार्ट करते हैं जस्ट 1 मिनट बाद बेटा। हाँ। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ प्लीज बेटा, आप अपना कैमरा ऑफ रखिएगा बेटा, सो दैट आपकी रिकॉर्डिंग ना हो। राइट, सो बेटा अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, राइट, मेटलर्जी में, तो हमने वी हैव ऑलरेडी टेकन 4 क्लासेस आई थिंक सो। तो इन 4 क्लासेस वी हैव डिस्कस व्हाट इज मेटलर्जी, व्हाट इज ओर, मैट्रिक्स, राइट, ड्रास। ठीक है, उसके बारे में हमने देखा था। और फिर वी हैव सीन प्रिंसिपल ओर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट मेटल्स, एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड स्टेप 1 एंड स्टेप 2। दैट इज स्टेप 1 इज कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर, एंड स्टेप 2 इज रिडक्शन ऑफ एन ओर। एंड बिफोर रिडक्शन ऑफ एन ओर वी हैव डिस्कस्ड द एलिंगम डायग्राम ऑल्सो। क्लियर है? और लास्ट क्लास में जो हमने स्टार्ट किया था रिफाइनिंग और एंड प्यूरिफिकेशन, दोनों को हमने क्लब कर दिया था। राइट, और रिफाइनिंग में हमने सिर्फ एक ही प्रोसेस अभी तक डिस्कस किया था, और वो क्या था बच्चों? व्हाट इज दैट प्रोसेस? व्हाट इज दैट प्रोसेस? जो रिफाइनिंग में हमने एक प्रोसेस डिस्कस किया था, दैट इज पोलिंग बेटा। ठीक है, सो दैट इज पोलिंग। राइट, क्लियर है? आज की क्लास में बेटा जो रिमेनिंग प्यूरिफिकेशन के जो जो प्रोसेस हैं या मेथड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। राइट, और अगर आज रह जाता है कुछ भी, एक आध मेथड रह जाता है या, तो हम वो कल डिस्कस करेंगे। राइट, तो होपफुली शायद आज कंप्लीट हो जाए या एक आध मेथड रह जाएगा, विल डिस्कस इट टुमारो। और कल ही हम फिर मेटलर्जी स्टार्ट कर देंगे डिफरेंट मेटल्स की, जिसकी 4 मेटल्स की मेटलर्जी हमारे सिलेबस में है। राइट, कॉपर, सिल्वर, कॉपर, जिंक और आयरन और एल्युमिनियम हमारे सिलेबस में है। राइट, और अगर आप कहेंगे तो हम एक आध मेटल की और भी मेटलर्जी डिस्कस कर लेंगे जो कि पूछा जाता है कभी कभार। आजकल तो एनसीईआरटी से ही आता है बेटा, तो एक्स्ट्रा बाहर से आता नहीं है। बट अगर जरूरत पड़ी तो हम लेड की मेटलर्जी डिस्कस कर सकते हैं, कर लेंगे। गोल्ड, सिल्वर की हमने करा ही था। ठीक है, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। राइट, अदरवाइज 4 जो मेटलर्जी जो हमारे सिलेबस में, वो हम उसको तो हमें डिस्कस करना ही है। क्लियर है? राइट, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द क्लास बेटा। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। राइट, वेलकम टू माई क्लास। ठीक है,
So as I have told you, we are discussing the purification method or refining method in metallurgy, that is step number 3 and step number 4. And out of that, one process we have already discussed of refining or purification, that is cooling. All right. Now the second method is which we are discussing it today, that is cupulation. Kya hai ye? Cupulation. Cupulation. Okay. Cupulation hota kya hai beta? Right. Ek hamare paas vessel hota hai. ठीक है, कुछ शैलो शेप का ऐसे, राइट, इसी के नाम से इस प्रोसेस का नाम पड़ा हुआ है, इसको कुपेल कहते हैं. क्या कहते हैं? कुपेल कहते हैं. ठीक है, ये जो कुपेल है, या जो फर्नेस कहते हैं हम इसको, ठीक है ना, राइट, ये जो बना होता है ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है. किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, या कैल्शियम फॉस्फेट कह दें, या बोन एश का बना होता है. क्या बना होता है? बोन एश का बना होता है. अब इसमें होता क्या है, हम आप मोल्टन या फ्यूज्ड मेटल लेते हैं, इम्प्योर मेटल लेते हैं. ठीक है, इम्प्योर या फ्यूज्ड मेटल, जो भी इम्प्योर, फ्यूज्ड या मोल्टन मेटल आप लेंगे. ठीक है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हॉट एयर का ब्लास्ट करेंगे, ब्लो करेंगे. हॉट एयर क्या करेंगे? ब्लो करेंगे. तो हॉट एयर ब्लो करने से क्या होता है, ठीक है ना, राइट, जो इम्प्योरिटीज हैं वो क्या करती हैं, वो तो ऑक्सीडाइज कर जाती हैं, और जो मेटल होता है वो ऑक्सीडाइज नहीं करता है. तो बेसिकली दिस मेथड इज अ सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन. तो एक का तो हम ऑक्सीडेशन करते हैं और एक का ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं, राइट. तो जो कुपेल मेथड होता है बच्चों, वो यूजली होता है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ नोबल मेटल्स, लाइक फॉर गोल्ड और सिल्वर. इसमें गोल्ड और सिल्वर के लिए, राइट. So, आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं बेटा, ठीक है ना. इन दिस मेथड प्योर मेटल इज फ्यूज्ड इन अ कंटेनर कॉल्ड एज कुपेल, राइट. यहाँ पे मैंने बना रखा है ये, अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, दिस इज कुपेल. ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, या इसी क्या बोलते हैं इसको, बोन एश कहते हैं. मोल्टन मेटल होता है, राइट. ठीक है, सो इन दिस इम्प्योर, क्या है बच्चों, इन दिस इम्प्योर मेटल और आर ट्रीटेड अंडर अ ब्लास्ट ऑफ एन एयर एट वेरी हाई टेम्परेचर. ठीक है, राइट. तो होता क्या है, जो नोबल मेटल्स होते हैं लाइक गोल्ड और सिल्वर, ठीक है ना, उनको हम इससे सेपरेट करते हैं, राइट, या प्यूरिफाई करते हैं. सो इन दिस मेथड नोबल मेटल्स लाइक सिल्वर गोल्ड आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर बेस मेटल लाइक कॉपर लेड जिंक आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ. जो भी इनके ओर्स होते हैं उसमें थोड़ा बहुत क्या होता है, सिल्वर या गोल्ड मिलता है. तो जो भी सिल्वर और गोल्ड को अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है, अगर हमें इसको सेपरेट करना है फ्रॉम दियर बेस मेटल, तो हम कुपुलेशन करते हैं. क्या करते हैं? कुपुलेशन. तो कुपुलेशन इज बेसिकली क्या मेथड है, इट इज द सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन है. क्या है? सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन है. क्लियर है बच्चों, व्हाट इज कुपुलेशन? तो क्या होता है, हम टेम्परेचर ऐसे एडजस्ट करके रखते हैं कि सच दैट क्या हो, इम्प्योरिटीज तो ऑक्सीडाइज कर जाए, बट जो मेटल है या जो जिसका हमें एक्सट्रैक्शन करना है वो क्या करें, वो ऑक्सीडाइज ना करें. क्लियर है? और ऑक्सीडाइज करने के बाद जो क्या होता है, इम्प्योरिटीज होती हैं वो लाइट वेट की हो जाती हैं, लाइट वेट होती हैं, तो वो क्या होती है, उसके सरफेस पे क्या होती है, इकट्ठा हो जाती हैं, और हॉट एयर के साथ ही क्या हो जाती है, वो ब्लो आउट हो जाती है. क्या हो जाती है? हॉट एयर के साथ ही ब्लो आउट हो जाती है. ठीक है, राइट. लेड का जो प्रिंसिपल ओर है वो बच्चों क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ओर ऑफ लेड? गलेना, है ना, वेरी गुड. क्या है? गलेना. तो जो गलेना होता है, राइट, इन अमेरिका नहीं, बाकी और जगह क्या होता है, अमेरिका में कम पाया जाता है, बट इन और टेरिटरीज में क्या होता है, जो गलेना होता है, इट कंटेन सम सिल्वर. वो क्या होता है, हाँ, सेरुसाइट इज PbSO4, बट जो गलेना होता है इट कंटेन सम सिल्वर इन इट बच्चों. हाँ, ठीक है ना, बहुत बार 1-2% सिल्वर होता है, और दे आर प्रीशियस मेटल, कॉस्टली होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, रिकवर कर लेते हैं गलेना से. क्या करते हैं? रिकवर कर लेते हैं गलेना से. ठीक है, राइट. तो गलेना क्या होता है, गलेना जो लेड है, बेस मेटल क्या है, गलेना है, लेड है, ठीक है ना, और उसमें क्या है, आप इम्प्योरिटीज कह दें सिल्वर को, या मेटल कह दें, जो भी आपको कहना चाहिए कह सकते हैं आप उसको हम रिकवर कर लेते हैं इन कुपुलेशन. ठीक है, सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द प्रीशियस मेटल डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज और रिएक्ट केमिकली एंड अनलाइक द बेस मेटल. तो बेस मेटल तो क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल लेड क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, और जो सिल्वर होगा वो रिएक्ट नहीं करेगा. तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है,
द सिल्वर इज प्रेजेंट अलोंग विद सॉरी लेड इज प्रेजेंट अलोंग विद सिल्वर द लेड इज इजिली ऑक्सीडाइज टू लेड मोनो ऑक्साइड मतलब PbO बना लेगा एंड मस्ट बी कैरिड अवे बाय द ब्लास्ट फर्नेस ठीक है सॉरी ब्लास्ट ऑफ द एयर ठीक है क्या होता है ऊपर इकट्ठा हो जाता है और ऊपर से हम इसको स्कीम आउट कर लेते हैं या हॉट एयर के साथ ही रिमूव हो जाता है और जो लेड ऑक्साइड होता है ठीक है ना मोनोऑक्साइड PbO इसको स्कम कहते हैं क्या कहते हैं स्कम SCUM स्कम या इसका एक और नाम है ठीक है लिथार्ज क्या नाम है इसका स्कम SCUM या लिथार्ज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है राइट मैं भी दिखा देता हूँ आपको और जो सिल्वर ठीक है हाँ हाँ बिल्कुल 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 राइट तो सिल्वर डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज एंड लेफ्ट बिहाइंड अंडर दिस कंडीशन नहीं बेटा होता है राइट डिपेंडिंग अपॉन टेरिटरी टू टेरिटरी ठीक है ना राइट 0.01% से 2% तक भी पाया गया है क्या सिल्वर राइट इन गलेना तो ऐसा नहीं कि नहीं होता है पाया गया है ऐसा ठीक है डिपेंडिंग अपॉन टेरिटरी टू टेरिटरी राइट तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है Ag plus O2 तो कहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी Pb plus O2 PbO रिएक्शन हो जाएगी तो अगर इसको क्लब करते हैं तो ये जो PbO है इसी को हम क्या करें स्कम्प या लिथार्ज ठीक है ना ये क्या होगा इसके सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है लाइट वेट होता है डेंसिटी कम होती है तो जो हॉट एयर ब्लो करते हैं उसके साथ ही ये रिमूव हो जाता है ठीक है ना और हमें Ag जो प्योर है वो Ag मिल जाता है यहाँ ठीक है राइट ईयर में चला जाएगा या बेटा ईयर के साथ रिमूव हो जाएगा बाद में आप उसको रिकवर भी कर सकते हैं ठीक है देखिए बेटा हाँ पॉल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है राइट ऐसे ही कुछ भी चीज आप इन्वायरमेंट में नहीं सेंड कर सकते हैं भेज सकते हैं मे बी आपने कोलाइडल सॉल्यूशन में पढ़ा होगा ठीक है ना या कोई क्वेश्चन देखा होगा शायद आपने ऐसा डस्ट प्रेसिपिटेटर हैव यू हर्ड अबाउट डस्ट प्रेसिपिटेटर या स्मोक प्रेसिपिटेटर आपने सुना होगा राइट ठीक है राइट व्हाट कभी भी अगर आपको मौका लगे अगर आप कोई उसमें जाते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में जाते हैं जैसे पानीपत में सीमेंट इंडस्ट्री है राइट या कहीं और जाते हैं आप सीमेंट इंडस्ट्री देखते हैं तो वहां पे क्या होता है वो हाँ चिमनी में लगा होता है बिल्कुल अर्जुन की बात बिल्कुल सही है चिमनी में लगा होता है वो ठीक है ना उसको डस्ट प्रेसिपिटेटर बोलते हैं या कहीं पे जो स्मोक ज्यादा निकल रहा होता है तो उसको स्मोक प्रेसिपिटेटर भी बोलते हैं बेसिकली क्या करता है वो चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है हाँ जी वो चार्ज को क्या करता है न्यूट्रलाइज कर देता है तो चार्ज न्यूट्रलाइजेशन इज अ कोएगुलेशन इसको क्या कहते हैं कोएगुलेशन ठीक है ओके 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 तो उसको कहते हैं कोएगुलेशन और बाद में क्या होगा जब सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे जब चार्ज न्यूट्रलाइज रहेगा तो आपस में इकट्ठा हो जाएंगे तो जो इकट्ठा होना होता है उसको बोलते हैं फ्लॉकुलेशन क्या बोलते हैं उसको फ्लॉकुलेशन तो डस्ट प्रेसिपिटेटर तो यहाँ भी जो भी आपके पास ईयर के साथ जा रहा होगा तो आप ऐसे ही सच हाँ ऐसे ही सच आप उसको उधर सही कर रहे हो उसको ही एज सच आप भेज नहीं सकते हैं क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर में तो यू हैव टू क्लीन द एयर बेटा ठीक है ना तो जो भी आप ये एयर ब्लो कर रहे होंगे उसके साथ जो जा रहा होगा यू हैव टू सेपरेट आउट हमारा लेड भी एक मेटल है और वो भी इम्पोर्टेंट है ठीक है ना राइट तो उसको भी आप रिकवर करना चाहेंगे बिल्कुल करना चाहेंगे तो जब परसेंटेज बहुत ज्यादा होगी लेड की ठीक है ना जब आप समझ सकते हैं 98 या 99% तो लेड है तो इसका मतलब क्या होगा आप बस वो ज्यादा आपको निकलेगा वो ज्यादा आपको मिलेगा तो उसको रिकवर करना ही बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए और कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं बच्चों राइट AgCl राइट ठीक है AgCl का जो हमने एक AgCl सिल्वर का ओर लिखा था आपको याद है एनीबडी नोज इट द सिल्वर ओर अर्जेंटाइट याद है अर्जेंटाइट Ag2S क्या था Ag2S अगर नहीं लिखा है बच्चों तो लिख लेना Ag2S इज अर्जेंटाइट क्या था अर्जेंटाइट हाँ सिल्वर ग्लेंस या अर्जेंटाइट ठीक है राइट और AgCl को क्या कहते हैं आप प्लीज नोट कर लीजिएगा हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं क्या कहते हैं इसके ओर को क्या कहते हैं हॉर्न सिल्वर तो जस्ट नोट इट डाउन क्या कहते हैं हॉर्न सिल्वर कहते हैं ठीक है ठीक है राइट तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन बहुत इजी है जब हमें प्रोसेस के बारे में पता चल गया सो द कुपलेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मेटलर्जी ऑफ विच मेटल बच्चों यहाँ पे क्या ऑप्शन होना चाहिए विच इज द राइट ऑप्शन क्या होगा बी सिल्वर इज द राइट आंसर क्या है सिल्वर ठीक है तो मैंने पहले ही बोला था आपको मेथड
का प्रिंसिपल चाहे आपको याद हो ना हो, ठीक है ना, स्टोरी तो आप बना ही लेंगे, आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो इन योर ओन वर्ड्स, बस जस्ट यू रिमेम्बर कि कौन सा मेटल किस प्रोसेस से प्योरीफाई होता है, यू शुड लर्न इट, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, वो आपको डिस्क ये नहीं बोलेगा कि आप इसको डिटेल में या ब्रीफ में राइट डाउन करिए, ऐसा नहीं पूछने वाला। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? नहीं बेटा, हाँ कॉपर बेटा दूसरे मेथड से करेंगे, कॉपर का मेथड भी हम देखेंगे, कॉपर को जनरली प्यूरिफाई करते हैं बेटा, उसमें क्या कहते हैं, उस मेथड को बोलते हैं बेसमेराइजेशन, क्या कहते हैं, बेसमेराइजेशन, तो विल डिस्कस इन बेसमेराइजेशन, ठीक है। मुस्कान क्लियर है आपको? नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट इज लिक्वेशन, क्या है लिक्वेशन। अब लिक्वेशन में यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्टिव क्या किया था, सेलेक्टिव क्या किया था, ऑक्सीडेशन किया था, राइट, ठीक है, सेलेक्टिव क्या किया था हमने, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन किया था। यहाँ पे जो लिक्वेशन है बच्चों, वहां पे क्या होता है, यहाँ पे हम इस मेथड को एक्सप्लॉइट करते हैं या यूज करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, क्या यूज करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को, डिफरेंस को यूज करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास मेटल है प्लस इम्प्योरिटी है, ठीक है ना, राइट, अगर आपने ऐसे कोई मेटल सेलेक्ट कर रखे हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, राइट, तो यहाँ पे जो मेटल है, ठीक है ना, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लेस देन है इसके मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योरिटी से, ठीक है, राइट, तो आपको यहाँ इस मेथड में क्या लेना है, हम यहाँ पे ये इसमें यहाँ पे ये यूज करेंगे कि देर इज अ डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट बिटवीन मेटल एंड इम्प्योरिटीज, तो हम क्या करते हैं, एक फर्नेस होती है जो रिवर्बरेटरी फर्नेस थी, मैंने पहले भी बताया था आपको, याद है, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होता है, एक ऐसे स्लोपिंग क्या होता है, एक स्लोपिंग प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, यहाँ से ऊपर से आप पाउडर्ड फॉर्म में, ठीक है ना, राइट, ओर को गिराते हैं या इम्प्योर मेटल को आप यहाँ पे गिराते हैं विथ हेल्प ऑफ अ हॉपर, उससे आप कराते हैं, गिराते हैं, और ये जो स्लोपिंग जो सरफेस होता है इसके नीचे क्या होता है, हॉट एयर होती है, ठीक है, फ्लेम होती है, तो ये क्या करता है, इसको पूरा हीट आती है यहाँ से, तो ये काफी हॉट होता है, वेरी हॉट होता है, ठीक है ना, अब तक हम यहाँ इसमें टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, वो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं टिल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्या, मेटल, जो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हम यहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही ये आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे मेटल क्या करेगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, और जब मेल्ट हो जाएगा तो वो फ्लो करने लगेगा, तो वो इजिली क्या करेगा, फ्लो करेगा, और मेटल क्या करेगा, प्योर जो मेटल हो जाएगा वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेपरेट आउट करते चले जाएंगे, और जो इम्प्योरिटीज है वो मेल्ट नहीं होंगी, वो अगर आएंगी भी तो हम उसको बाहर इजिली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, राइट, सो यहाँ पे हम इस मेथड को यूज कर रहे हैं, दिस इज क्या कि मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है, और हम वो मेटल यहाँ पे लेंगे, मुझे बताओ बच्चों कि कौन सा जो इजिली मेल्ट हो जाए कि जो मेल्ट ना हो, कैसे मेटल हम यहाँ पे यूज करेंगे इस मेथड में, विच कैन इजिली मेल्ट, और जो मेल्ट ना हो, जिसका इजिली मेल्ट हो मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, कम हो, राइट, तो ऐसे मेटल जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है दैट हैज बीन सेपरेटेड बाय लिक्वेशन, राइट, इस मेथड में लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, नहीं बेटा, गोल्ड और कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इस मेथड में हम लेड और टिन को करते हैं, क्या करते हैं, लेड और टिन को इस मेथड से क्या करते हैं, हम इसको वो करते हैं, सेपरेट करते हैं या प्यूरिफाई करते हैं, क्योंकि जो लेड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 327.5 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट, ठीक है, और जो टिन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट 262 होता है, कितना होता है, 262 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यूजली मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे सेपरेट कर लेंगे। मैं डायग्राम आपको दोबारा दिखा रहा हूँ बच्चों, ये मैंने यहाँ पे बना रखा है रिवर्बरेटरी फर्नेस, ठीक है, ये आपको ब्रिक्स दिख रही होंगी, दिस इज दीज आर नोन एज रिफ्रेक्टरीज, इनको क्या कहते हैं, रिफ्रेक्टरीज कहते हैं, रिफ्रेक्टरीज आर जनरली सिलिका या मैग्नीशिया क्या होता है, इट दीज आर ब्रिक, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, हम फ्लेम देते हैं, हॉट फ्लेम रहता है, तो वो क्या करता है, ये जो प्लेटफॉर्म होता है ये हीट रहता है, गर्म रहता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, और टेम्परेचर मेंटेन करते हैं टिल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल, तो ऊपर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हॉपर के थ्रू मेटल और इम्प्योरिटीज को ड्रॉप करते हैं, तो इम्प्योरिटीज क्या करेंगी, मेल्ट नहीं होंगी, बट प्योर मेटल क्या करेगा, मेल्ट हो जाएगा, और हम यहाँ पे बॉटम में क्या हो जाएगा, उसको हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे, क्लियर है, राइट, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इन दिस मेथड मेथड इजिली फ्यूजेबल मेटल लाइक लेड एंड टिन आर रिफाइंड, ठीक है, दिस द इम्प्योर मेटल इज हीटेड ऑन द स्लोप्ड हर्थ,
हर्थ मीन्स बच्चों, अच्छा डू यू नो व्हाट डू मीन बाय हर्थ? स्लोप्ड हर्थ, हर्थ इज फर्नेस, भट्टी है ना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हर्थ भी कहते हैं, राइट, ठीक है, हाँ भट्टी को हर्थ कहते हैं, राइट, ठीक है, राइट। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, राइट, कि ज्यादातर जो बड़े लोग होते हैं अंग्रेजों के घर में क्या होता है, ऐसे ऐसे बना होता है जहाँ पे वो आग जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं और सामने बैठे रहते हैं, राइट, इंग्लिश स्टोरीज में रहता है, इसको हर्थ कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, वो लोग हर्थ कहते थे, ठीक है, राइट। और ऐसे चिमनी लगी होती है तो जो 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 वो है, हाँ, जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं वो बाहर से निकल जाएंगी, तो इसको हर्थ कहते हैं, राइट, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ऑन द स्लोप्ड हर्थ ऑफ रिवरबरेटरी फर्नेस, ठीक है ना, इसको क्या कह रहे हैं हम, इसको रिवरबरेटरी फर्नेस बोलते हैं, ठीक है। द मेटल मेल्ट एंड फ्लोज, फ्लोज नहीं बेटा, हाँ एल्यूमिनियम को नहीं करते बेटा इससे, ठीक है ना, राइट, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम नहीं होता बेटा, हाँ ठीक है, राइट। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको याद है मैंने बताया था जब Al2O3 बनता है तो बहुत एक्सोथर्मिक होता है, आपको याद है, राइट, राइट, ठीक है। तो क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, जो बॉक्साइट होता है बच्चों, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, इफ आई रिमेम्बर, इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 2200 डिग्री होता है, कितना होता है, 2200 डिग्री सेल्सियस, और जो एल्यूमिनियम का होता है वो 900 समथिंग होता है बच्चों, ठीक है। तो हम मेटलर्जी में डिस्कस करेंगे एल्यूमिनियम के, तो ये बहुत ज्यादा होता है, तो एल्यूमिनियम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जिन्होंने भी पूछा था बेटा, क्लियर है आंसर बेटा आपको, राइट, आई डोंट नो किन्होंने पूछा था, राइट। सो द मेटल मेल्ट एंड फ्लोज डाउन लीविंग द इम्प्योरिटीज, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, ठीक है, हाँ मौलिक, ठीक है। सो द मेटल मेल्ट एंड फ्लोज डाउन लीविंग द इम्प्योरिटीज, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेन मेटल इज लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ड्रास और इम्प्योरिटीज, राइट, ठीक है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है बच्चों, तो कैन यू गिव मी द आंसर, ऑन विच ऑफ द प्रिंसिपल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन, प्रेफरेंशियल रिडक्शन, प्रेफरेंशियल मेल्टिंग और नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रेफरेंशियल मेल्टिंग हो जाएगा, क्लियर है बेटा, राइट, दोनों मेथड क्लियर है आपको, ठीक है। कुपुलेशन एंड, तो हमने थ्री मेथड्स डिस्कस कर लिए बच्चे, वन इज कुपुलेशन, अनदर इज पोलिंग एंड वन इज लिक्वेशन, ठीक है, राइट। तो आपको ये इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये याद होना चाहिए कौन से मेथड से हम किसको सेपरेट कर सकते हैं, राइट, या प्यूरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये भी लिखा हुआ है, द टिन इज प्यूरिफाइड एट बाय द लिक्वेशन सिंस इट्स ब्रिक बेटा रिफ्रेक्टरीज होता है, रिफ्रेक्टरीज बोलते हैं, रिफ्रेक्टरीज, ठीक है ना। आप कभी गए हो, अगर आपने कभी वो भट्टा देखा हो, ठीक है ना, आपने वो जो जो ईंट बनाने के जो भट्टे होते हैं जहाँ पे ईंट बनता है, तो आप अगर कभी मौका लगे जाएं तो वो क्या होता है, ऐसे अंडरग्राउंड होता है पूरा का पूरा वो, ठीक है, उसमें बहुत सारी गलियां होती हैं ऐसे ऐसे, और किनारे किनारे क्या होता है, ऐसे ब्रिक्स लगी हुई होती हैं, ठीक है, राइट। तो वो क्या करते हैं, कोयले से जलाते हैं, कोयले से जलाते हैं, तो ये ब्रिक्स क्या होती हैं, बहुत गर्म हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, बहुत हाई गर्म हो जाती हैं, हॉट हो जाती हैं, तो हॉट होने की वजह से आपने हीट ट्रांसफर पढ़ा होगा, तो हॉट हो जाएगी तो हीट ट्रांसफर में किस वजह से हीट ट्रांसफर होगा, अगर ये ब्रिक हॉट हो जाएंगी और एयर जाएगी साथ में तो क्या होगा, किसकी वजह से होगा, कन्वेक्शन, क्या पढ़ा होगा आपने शायद, कन्वेक्शन पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, राइट। तो कन्वेक्शन की वजह से थोड़ा, ठीक है, तो रेडिएशन हाई टेम्परेचर पे, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है, कन्वेक्शन थोड़ा लो टेम्परेचर पे भी होता है, तो कन्वेक्शन की वजह से, ठीक है ना, या रेडिएशन की वजह से भी, जब हाई टेम्परेचर रहता है ज्यादा दूर जाएंगे तो रेडिएशन हो जाएगा, थोड़ा इसके सरफेस के नजदीक रहते हैं तो कन्वेक्शन होता है, ठीक है, राइट, बट ज्यादा डिस्टेंस पे रेडिएशन हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हीट हो जाता है। सो इन्हीं को, जो ब्रिक्स होता है, इन्हीं को रिफ्रेक्टरीज बोलते हैं। रिफ्रेक्टरीज इसलिए लगाई जाती है बेटा, क्योंकि आप बहुत हाई टेम्परेचर पे रखते हो, तो रिफ्रेक्टरीज क्या करती हैं, हाई टेम्परेचर को बियर कर लेती हैं, क्या करती हैं, हाई टेम्परेचर को बियर कर लेती हैं, और जो भी आपका जो मेटल है, जिसका आपका फर्नेस है, उसको प्रिवेंट करती हैं कि वो मेल्ट ना हो जाए, वो मेल्ट ना हो जाए, या उसका शेप ना बिगड़ जाए, ठीक है ना, राइट, वो डिस्टॉर्टेड ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए होती है, ठीक है। ब्रिक्स बेटा मिट्टी से बनाई जाती है बेटा, सिलिका से, सैंड से, सिलिका से बनाई जाती है ना, राइट, सिलिका एंड मैग्नीशिया, राइट, बिल्कुल, ठीक है। एलुमिना भी होता है उसमें, Al2 भी होता है, राइट,
बिकॉज दे बियर्स, अब आप समझ सकते हैं बेटा, हाँ Al2O3 का जो टेम्परेचर जो मैंने बताया था वो क्या था, लगभग 2200 डिग्री सेल्सियस है ना, आप समझ सकते हैं ना, दे आर वेरी गुड रिफ्रेक्टरीज, ये क्या है, वेरी गुड रिफ्रेक्टरीज है Al2O3, ठीक है ना, राइट, एलुमिना एल्यूमिनियम एल्यूमिना मैग्नीशिया राइट या सिलिका, दे आर वेरी गुड रिफ्रेक्टरीज राइट, डिपेंड करता है बेटा कि इस मेथड से करेंगे और कौन सा मेथड होता है राइट, ठीक है। यहाँ पे बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है द लिक्विडेशन मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, तो यहाँ टिन लेड बिस्मथ और ऑल ऑफ दीज, तो ये इंपॉर्टेंट है, आंसर है इसका बच्चा ऑल ऑफ दीज, क्या है ऑल ऑफ दीज है, तो जिनका भी मेल्टिंग पॉइंट कम होगा वो हम इस मेथड से रिमूव करते हैं, तो पीबी टिन ये तो बता ही था, मरकरी एसबी, मरकरी यूजली कम करते हैं, मरकरी के लिए हम एक डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना राइट, मरकरी क्योंकि मरकरी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ऑलरेडी -38 होता है, ठीक है ना राइट, हाँ बिस्मथ का, ठीक है बिस्मिथ का बेटा 271 होता है, कितना होता है बिस्मथ का मेल्टिंग पॉइंट 271 राइट, इन दोनों का तो मैंने बता ही दिया था आपको, बिस्मथ का 271 होता है, और ये जो क्या है एंटीमनी, ठीक है ना एसबी है बेटा एसबी इज एंटीमनी, एंटीमनी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 630 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना हाँ सेल्सियस में बेटा, सारा सेल्सियस में, ऑल आर इन सेल्सियस, दैट इज 630 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, और इसका 271 होता है। मरकरी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, या मेल्टिंग पॉइंट कहें या फ्रीजिंग पॉइंट कहें, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलना ज्यादा सही नहीं रहेगा, तो वी कैन कॉल्ड इज एन फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट -38 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हम इसको यहाँ ना लेके किसी दूसरे मेथड से हम इसको क्या करते हैं, इसको प्यूरीफाई करते हैं, तो मरकरी कम नहीं प्रेफर करते, मरकरी के लिए हम नेक्स्ट मेथड जो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप देख रहे हैं, डिस्टिलेशन से उसको प्यूरीफाई करते हैं मरकरी को, ठीक है, आर प्यूरीफाइड सिंस दे आर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट राइट, ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है बेटा, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना राइट, Sb2 मैंने बताया था आर्सेनिक और जो सल्फाइड होता है, तो नहीं करेंगे बेटा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट दूसरा होगा, ठीक है ना, हाँ जी बेटा, हाँ हाँ मौलिक राइट, तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा बेटा वो दूसरे मेथड से करेंगे, अब जरूरी थोड़ा ना कि हमें इसी मेथड से करना, देयर आर वेरियस अदर मेथड जो हमने सब पढ़े हुए, अगर मे बी ये आपके ऊपर है बेटा, हाँ ठीक है ना, कोई नाम नहीं है उसमें, डिपेंड करेगा कि किस ओर की बात कर रहे हो आप, ठीक है राइट, फर्नेस में करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस में करेंगे राइट, तो डिपेंड करेगा कि आपने क्या लिया है, क्या है आपके पास, मे बी आपने अगर जैसे मे बी अगर आपने कोई प्रोसेस अभी चल रहा है वो इकोनॉमिकल नहीं है, और आगे जाके आपने इन्वेंट किया कोई प्रोसेस, आपने उसमें कुछ पैसा सेव कर दिया, तो यू कैन पेटेंट इट ऑन योर ओन ऑल्सो, अपने नाम पे भी कर सकते हो आप, ठीक है राइट, मोस्ट ऑफ द प्रोसेस अगर आप देखें, ज्यादातर जो पोलिंग है या आगे या वेन आर्कल मेथड है या ये है, दीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द पर्सन, तो जो कुछ जो नेम ऑफ द पर्सन है इसका मतलब उनके नाम पे पेटेंट है वो, तो वी डिपेंड करता है, मैंने पहले ही बोला था दिस इज ऑल एन R&D बेटा, ठीक है ना, आगे जाके अभी भी R&D चल रही है nowadays, ठीक है ना, एक मैं कल मतलब कुछ दिन पहले लिटरेचर पढ़ रहा था, तो उसमें वैक्यूम डिस्टिलेशन आपने सुना होगा बच्चों, वैक्यूम डिस्टिलेशन, ठीक है ना, वैक्यूम डिस्टिलेशन आपने सुना होगा सॉल्यूशन चैप्टर में राइट, तो वैक्यूम डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट आउट द मेटल्स, ठीक है, लाइक गोल्ड जो प्रीशियस मेटल होंगे या वो मेटल जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, तो आप क्या करते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन क्यों किया जाता है, एनीबडी नोज इट व्हाई वैक्यूम डिस्टिलेशन इज डन, क्यों किया जाता है, नहीं वैक्यूम डिस्टिलेशन बेटा देखिए यहाँ क्या होता है, लेट्स सपोज वैक्यूम डिस्टिलेशन इज अ वेरी कॉमन यूनिट, हाँ जब आप अगर आप रिफाइनरी में जॉब करने जाएंगे, सो देयर आर टू यूनिट्स, एक होता है CDU और एक होता है VDU, नहीं बेटा हाँ लिसन इट, क्या होता है CDU और VDU, CDU होता है क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट, क्या होता है क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट, और VDU होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट, अब लेट सपोज क्या है आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है, लेट सपोज आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है C10 है लेट सपोज, ठीक है राइट, ठीक है, इसको आपको सेपरेट करना है, लेकिन इसका क्या होगा, जैसे ही इसका जो मेल्टिंग इसका बॉइलिंग पॉइंट है, लेट्स बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस है,
ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने 120 डिग्री किया उससे पहले ही क्या हो गया, ये टूट गया, ये डिसोसिएट हो गया। तो मुझे बताओ क्या ये बेनिफिशियल रहा इस मेथड से, क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं सी टेन को इस मेथड से? नो। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो हो रहा है यहाँ पे जो हमने डिस्टिलेशन किया वो एटमोस्फेरिक प्रेशर पे किया, क्या किया एटमोस्फेरिक प्रेशर पे किया, लेकिन अब हम क्या करेंगे जब वैक्यूम लगाएंगे तो प्रेशर क्या रहेगा लेस देन 1 एटीएम रहेगा, और 1 एटीएम रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा मुझे बताइए, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा कि कम, जाएगा लेस हो जाएगा। तो जैसे ही हमने वैक्यूम लगाया हमने क्या करा, बॉइलिंग पॉइंट जो था 120 से, ठीक है ना, लेट्स सपोज बॉइलिंग पॉइंट 120 था, 110 पे डिसोसिएट कर गया, तो हमने प्रेशर लगा के वैक्यूम लगाया प्रेशर कम कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, क्या मुझे बताओ अब डिसोसिएट होगा ये, नहीं अब डिसोसिएट नहीं होगा। तो आप समझे क्यों वैक्यूम डिस्टिलेशन करते हैं, व्हाई वैक्यूम डिस्टिलेशन इज डन, राइट, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए क्या है बेटा, जब शुरू में इंडिया की जो पहली रिफाइनरी थी दैट वाज रोमानिया से हमने हायर करी थी, वो जो उसकी टेक्नोलॉजी थी वो रोमानिया से आई थी, ठीक है ना, नेहरू जी लेके आए थे, मे बी यू हैड डिग बोई, आपने सुना होगा आसाम में डिग बोई, ठीक है ना, दैट वाज द फर्स्ट रिफाइनरी राइट ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल की रिफाइनरी थी, ठीक है राइट। तो वो जो थी जब पहली रिफाइनरी आई थी तो सिर्फ पहले CDU था, सिर्फ क्या था CDU यूनिट हुआ करता था, कोई वैक्यूम डिस्टिलेशन नहीं था, लेकिन क्या हुआ जैसे जैसे डिमांड, अब देखिए CDU में लेट्स सपोज आपने सिर्फ 40% ही रिकवर किया, इससे पेट्रोल डीजल जो भी यूजफुल प्रोडक्ट थे आपने 40% रिकवर किया, बाकी 60% वेस्ट हो गया। लेकिन जैसे जैसी पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन इंक्रीज करने के बाद डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने से फिर क्या हुआ, आपने बोला यार ये 60% में भी तो क्या हो सकता है, पेट्रोल और डीजल हम कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या करा, ये हाई मॉलिकुलर वेट कंपाउंड्स होंगे, बट जो पेट्रोल होता है वो C5 या C6 C7 से शुरू हो जाता है, अब आपके पास क्या है C18 है या C20 है और आपको C7 बनाना है, तो आप क्या करेंगे क्रैकिंग करेंगे, क्या करेंगे क्रैकिंग करेंगे, आपने सुना होगा क्रैकिंग, मे बी आपने सुना होगा क्रैकिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कैटेलिटिक क्रैकिंग या थर्मल क्रैकिंग आपने सुना होगा, हैव यू हर्ड अबाउट कैटेलिटिक क्रैकिंग, तो थर्मल क्रैकिंग, हाँ पायरोलिसिस, बिल्कुल पायरोलिसिस इज जस्ट बी हीटिंग, बट पहले तो फिर क्रैकिंग शुरू हुई, तो पहले थर्मल क्रैकिंग आई जस्ट फिर हीट करने से, लेकिन बाद में क्या आई कैटेलिटिक क्रैकिंग आई, क्योंकि हमें फिर से देखना था ये टेम्परेचर कम करना था, तो कैटेलिटिक टेम्परेचर में, कैटेलिटिक क्रैकिंग में कम टेम्परेचर पर भी डिकम्पोजिस मतलब ये क्रैकिंग हो जाती है, तो हमें कोक नहीं मिलता, तो ऐसे ऐसे करके आते गए, बाद में क्या हुआ फिर नया आया वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट, उन्हें बोला नहीं अब इसको रिकवर कर लेते हैं, तो रिकवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वैक्यूम लेना पड़ेगा, तो वैक्यूम क्यों अप्लाई करते हैं, वैक्यूम वहां अप्लाई करते हैं बेटा जिसका मेल्टिंग पॉइंट सॉरी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और उससे ही पहले कंपाउंड डिकम्पोज हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं, हाँ जस्ट कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए कम हो जाए और हम उसको सेपरेट आउट कर सकें। आई थिंक बेटा विशाल यू गॉट द आंसर, हाँ ठीक है राइट, काफी डिस्कशन हो गया इसके बारे में, चलिए अच्छी बात है डिस्कस हो गया, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही डिस्टिलेशन, ठीक है ना राइट, और बाय चांस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है वैक्यूम डिस्टिलेशन, अगर आपको याद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज टू गिव द प्योर प्रोडक्ट एंड यूज टू ऑब्टेन द प्रीशियस मेटल फ्रॉम द वेस्ट, ठीक है ना, फ्रॉम द वेस्ट से भी कर सकते हैं, और भी आजकल डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स क्या है उनके ऊपर भी हम वैक्यूम डिस्टिलेशन अप्लाई कर रहे हैं, राइट, जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट होते हैं राइट, उनको भी क्या करते हैं डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट को भी बहुत बार, ठीक है राइट, प्रीशियस मेटल हो गया ग्रुप 1 ग्रुप 2 हो गया राइट, कॉपर भी हो गया, आयरन भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन राइट कि क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिस्टिलेशन यू ऑल आप सबको पता है डिस्टिलेशन क्या होता है, सम मेटल्स हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एंड सून वेपराइजेस ऑन हीटिंग, जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो हम जैसे थोड़ा हीट करेंगे तो वो बॉइल करने लगेगा, वेपर बन जाएगा और वेपर को हम क्या करेंगे कंडेंस कर लेंगे तो हमें प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है, तो इस मेथड में क्या होता है बच्चों, इस मेथड में हम क्या करते हैं डिस्टिलेशन में, ठीक है ना, हमारे पास क्या होता है कोई जो कॉलम होता है उसमें क्या करते हैं हम हीट करते हैं, हीट करने से वेपर बनेंगे, तो यहाँ पे जो मेटल होता है आपको ऐसा मेटल लेना है जो इजिली वेपोराइज कर जाए, क्या करे इजिली वेपोराइज कर जाए,
और तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, इस मेथड से सेपरेट करते हैं, ठीक है ना, जिंक कैडमियम और मरकरी को। किसको करते हैं? जिंक कैडमियम और मरकरी को। आपको याद होगा आपने, या डी ब्लॉक में हम पढ़ेंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, आपको याद होगा शायद, ठीक है ना। राइट, दे आर क्या है ये, 3D, या ये 12th ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? 12th ग्रुप है ये, ठीक है। राइट, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। जिंक का 900 बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 907 होता है। कैडमियम का 766 होता है, और मरकरी का 356 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल, दे आर नॉन ट्रांजिशन होते हैं बेटा, दे आर डी ब्लॉक बट दे आर नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। सो द सम मेटल विच हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एंड सून वेपोराइजेस ऑन हीटिंग व्हाइल एसोसिएटेड विद इंप्योरिटीज रिमेन्स इन द सॉलिड स्टेट। तो इंप्योरिटीज क्या करेंगी, उनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वो वेपोराइज नहीं करेंगी, सिर्फ क्या करेगा, जो हमारा मेटल है वही वेपोराइज करेगा, और वेपोर करने के बाद हम उसको कंडेंस कर लेंगे, कंडेंस करने के बाद हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ जिंक कैडमियम एंड मरकरी आर्सेनिक आर प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड, ठीक है। वैक्यूम डिस्टिलेशन मैंने अभी डिस्कस किया था बेटा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको पता होगा, जहाँ पे क्या होता है, मिक्सचर एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, राइट, या दो को हमें सेपरेट करना होता है, ठीक है, राइट। आपने पढ़ा होगा बाइनरी डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट। तो जब आप नंबर ऑफ स्टेप्स में करते हैं, राइट, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कह देते हैं, क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, राइट। तो आई एम नॉट गोइंग इन टू इट बेटा, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट आउट कैडमियम फ्रॉम जिंक, ठीक है ना। इम्प्योर जिंक इज मिक्सड विद, ठीक है, इम्प्योर जिंक को क्या करते हैं हम, कोक के साथ मिक्स करते हैं। हाँ, यूजली होता है 25 डिग्री सेल्सियस, बट आप क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा, हैव यू हर्ड अबाउट स्टीम डिस्टिलेशन, आपने सुना है स्टीम डिस्टिलेशन, हैव यू हर्ड अबाउट स्टीम डिस्टिलेशन, क्यों करते हैं बेटा स्टीम डिस्टिलेशन, व्हाई वी डू स्टीम डिस्टिलेशन, हाँ, दीप ने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल बेटा, राइट। देखिए यहाँ आपने देखा होगा, लेट सपोज क्या है, ऑयल है, और क्या है, ऑयल है और वाटर है, ठीक है, और क्या होगा, हाँ, इमिसिबल जो होंगे ना, जो भी इमिसिबल लिक्विड होते हैं, उसको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है सॉल्यूशन चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या होगा, इमिसिबल लिक्विड अगर होगा तो मुझे बताओ क्या हम राउट्स लॉ अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे, वी विल बी एबल टू अप्लाई राउट्स लॉ, नहीं, यहाँ पे राउट्स लॉ अप्लाई नहीं होता। तो ये इमिसिबल लिक्विड है, तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होता है वो पी नॉट ए और पी नॉट बी के बराबर ही होता है, क्योंकि दोनों ही ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे दूसरा वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है, राइट, ठीक है। तो प्लीज याद रखेंगे, इमिसिबल लिक्विड में कभी भी राउट्स लॉ नहीं लगाना है आप, ठीक है, राइट, ठीक है। तो स्टीम डिस्टिलेशन, राइट, स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है, या बहुत बार ऐसा होता है, अगर आपने देखा होगा, दूसरी चीज बात करें, अगर हम एजोट्रॉपिक मिक्सचर अगर आपने सुना होगा, राइट, ठीक है, राइट, जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम हो जाता है, क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम हो जाता है, राइट। अब क्या होगा, लेट सपोज क्या होगा, अगर ए और बी है और जिनका बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो क्या हम इसको डिस्टिलेशन से सेपरेट कर पाएंगे, क्या हम डिस्टिलेशन सेपरेट कर पाएंगे, आंसर इज नो। बट हम करते हैं, हम क्या करते हैं, एक थर्ड कंपाउंड इसमें ऐड कर देते हैं, हम क्या करते हैं, एक सी इसमें ऐड कर देते हैं। तो सी क्या करता है, सी ए या बी के साथ रिएक्ट कर जाता है। अब देखिए होता क्या है, हाँ, ध्यान से सुनिएगा, सी क्या करता है, ए और बी के साथ रिएक्ट कर जाता है। अब लेट सपोज ए और सी मिलके कुछ ए सी बना लिया। अब जब ए सी बना लिया तो इसका मॉलिकुलर वेट क्या हो गया, बढ़ गया कि कम हो गया, मुझे बताइए, मॉलिकुलर वेट क्या हो गया इसका, इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया, इंक्रीज कर गया। अगर मॉलिकुलर वेट इंक्रीज करता है तो मुझे बताइए बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाँ, तो क्या होगा, तो वो क्या होगा, अब क्या होगा, एक तो एक के साथ रिएक्ट कर गया, दूसरा रिएक्ट नहीं किया, अब क्या हो जाएगा, उनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, डिफरेंस आ जाएगा। अब क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं डिस्टिलेशन से, तो आंसर इज यस, ठीक है। तो एजोट्रॉपिक मिक्सचर को इसी तरीके से सेपरेट करते हैं। तो कभी ऐसा आ जाए कि हाउ यू कैन सेपरेट द एजोट्रॉपिक मिक्सचर, तो एजोट्रॉपिक मिक्सचर में हम क्या करते हैं, ठीक है ना, ए और बी है,
ये मिक्सचर है जिसको आपको सेपरेट करना चाहते हो, आप उसमें थर्ड कंपाउंड ऐड कर देते हो। तो थर्ड कंपाउंड क्या करता है, इसमें से किसी पे सेलेक्टिव रिएक्ट कर जाता है, वो लेट्स सपोज ए के साथ रिएक्ट करके ए सी बना लिया और बी हो गया। अब क्या हो गया, इसका ए का मॉलिकुलर वेट चेंज हो गया, तो ए का जिनका मॉलिकुलर वेट सेम होता है लगभग, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी सेम होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होता है, आपने पढ़ा होगा बेटा, ठीक है ना, राइट। तो अगर मॉलिकुलर वेट में डिफरेंस हो जाएगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, फर्क हो, डिफरेंस हो जाएगा। अरे सॉलिड है तो क्या हुआ बेटा, सॉलिड के साथ भी रिएक्ट कराएंगे कि नहीं कराएंगे हम? ऐसा नहीं है कि सॉलिड के साथ नहीं कराएंगे, हम टेम्परेचर दे देंगे जहां पे सॉलिड होगा, क्यों विशाल, ठीक है, राइट। तो ए और सी, अब क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा, जब डिफरेंस हो जाएगा तो हम उसको सेपरेट आउट कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज हाउ यू कैन सेपरेट आउट द, यू कैन डिस्टिल द एजोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी हमने यही किया हुआ है, इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है ना, इज यूज टू सेपरेट सी डी फ्रॉम जिंक। तो यहाँ पे देखिए, इम्प्योर जिंक इज मिक्स विद कोक पाउडर, तो जिंक क्या करेगा, जिंक कोक के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर गया, ठीक है ना। अब क्या करा, देखिए हमने हीट किया था, इम्प्योर जिंक इज मिक्स विद कोक एंड हीटेड विद फर्स्ट हीटेड देन फर्स्ट पोर्शन ऑफ कंडेंसेट कंटेन्स सी डी। तो सी डी क्या करेगा, ऊपर आ गया और उसको क्या करा, हमने सेपरेट आउट कर लिया, जो नीचे पोर्शन रह गया वो जिंक रह गया। सो यहाँ पे भी देखिए, आपने हमने थर्ड कंपाउंड ऐड किया, राइट, सो दैट हम क्या करें, उनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ जाए ज्यादा, और बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो डिस्टिलेशन क्या होगा, आसान होगा और हमें प्योरिटी प्योरिटी ज्यादा मिलेगी इसके, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, यस या नो बेटा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट डिस्टिलेशन, ठीक है, राइट। सो दिस इज अबाउट डिस्टिलेशन। तो हमने फोर मेथड डिस्कस कर लिए हैं, पोलिंग, सेकेंड इज कुपलेशन, थर्ड इज लिक्वेशन एंड फोर्थ इज डिस्टिलेशन, ठीक है, राइट। चलिए हाँ, ठीक है, नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है। सो नेक्स्ट मेथड इज बेसमेराइजेशन, राइट। स्टार्टिंग में मैंने कहा था हम इसको डिस्कस करेंगे, बेसमेराइजेशन, ठीक है, राइट। तो जहां अगर आप ये देख रहे हैं बेटा, है ना, दिस इज अ फर्नेस, है ना, एक फर्नेस है, ठीक है ना, इसका जो शेप होता है वो पियर शेप का है, कैसा है, पियर शेप का, ऐसे ऊपर से कम होता है, बेसिकली ऐसा कुछ डिजाइन होता है इसका, ऐसा हो, ऐसा डिजाइन होता है। तो ये पियर शेप का होता है, क्या होता है, पियर शेप का होता है, ठीक है, राइट। 10 feet से थोड़ा ज्यादा इसकी हाइट होती है, ठीक है ना, राइट। अंदर इसमें फिर से रिफ्रैक्टरी मटेरियल लगा होता है, बेसिकली सिलिका या मैग्नीशिया लगा होता है, ठीक है ना, विच वो कैसे काम करता है, वो फ्लक्स की तरह काम करता है, क्या करता है, फ्लक्स की तरह काम करता है, आई विल डिस्कस इट व्हाट इज फ्लक्स बेटा। तो ये क्या है, ये एक पियर शेप का फर्नेस है, इस फर्नेस को बोलते हैं बेसमर कन्वर्टर, क्या कहते हैं, बेसमर कन्वर्टर, ठीक है। तो ये जो पियर शेप का फर्नेस होता है इसको बेसमर कन्वर्टर कहते हैं, ठीक है ना, राइट। इसमें क्या होता है, मोल्टन मेटल होता है विथ इम्प्योरिटीज जो लिए रहते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होता है, हॉट एयर को हम ब्लो आउट करते हैं या ऑक्सीजन को ब्लो आउट करते हैं इसके, ठीक है ना। यहाँ पे स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं जिसके थ्रू हम ये एयर इसके अंदर जाती है, इसको लेंसर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, लेंसर, ठीक है, राइट। लेंसर मतलब आप जानते हैं ना, लेंसर भाला, ठीक है ना, राइट, उसको लेंसर कहते हैं, ठीक है। नहीं बेटा, डिपेंडिंग अपॉन बेटा, प्रोसेस टू प्रोसेस है, हाँ, ठीक है ना। बेसमर कन्वर्टर आज भी टाइम पे भी यूज होता है बेटा, हाँ, पुरानी टेक्नोलॉजी है बट ये आज भी यूज होती है, ठीक है, राइट। अब क्या करते हैं, अगर आपको ध्यान है बच्चों, राइट, कभी आपने बिल्डिंग बनते देखा होगा तो वहां पे क्या होता है, मसाला बनाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो उसको मसाला बनाते, उसमें सीमेंट डालते हैं, बजरी डालते हैं, रोल, हाँ नहीं, मिक्स करता है वो, अगर आपको याद है, वो ऐसे घूमता रहता है, मिक्स करता रहता है वो, ठीक है ना, राइट। उसमें सारा पानी, सीमेंट और जो भी रेत, बजरी, वो सब डालते हैं उसमें, हाँ, वो घूमता रहता है। तो अगर आप ध्यान दें, ये कुछ वैसे ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये आपको, कुछ वैसे ही है ये, हाँ, ठीक है, राइट। और क्या होता है, नीचे उसके साथ में वो क्या होता है, यहाँ पे अटैच रहता है ऐसा, और जब मसाला बन जाता है तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, वो व्हाट दे डू इट, वो यहाँ से ढीला कर देते हैं उसको, और इसको क्या कर देते हैं, टिल्ट कर देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं।
तो सारा मसाला नीचे गिर जाता है। सेम यहां भी यही करते हैं, क्या करते हैं, सेम यहां भी करते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा करने के बाद क्या होता है, वो सारा मटेरियल क्या करता है, नीचे आ जाता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है ना। और वो जो ये जो ये जो होता है जिससे वो टिल्ट करते हैं, उसको ट्रूनियंस कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रूनियंस, ठीक है ना, दैट इज नोन एज ट्रूनियंस, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, बेस्मराइजेशन टेक्स प्लेस इन अ बेस्मर कन्वर्टर, इट इज अ पियर शेप्ड 10 और मोर फिट हाई, ओपन एट द टॉप, लाइन विद रिफ्रैक्टरी मटीरियल सच एज सिलिका और मैग्नीशिया, ठीक है, विच ऑल्सो एक्ट एज एन फ्लक्स, ठीक है ना, राइट। मैं भी फ्लक्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। द कन्वर्टर इज माउंटेड ऑन ट्रूनियंस, जो मैंने अभी बताया था, सो दैट इट कैन बी टिल्टेड टू कलेक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है, राइट। और इसमें क्या होता है, देर इज अ अरेंजमेंट थ्रू विच द हॉट एयर इज ब्लोन फ्रॉम अ नंबर ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स एट द बॉटम, क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग्स एट द बॉटम होता है, ठीक है, राइट। बेस्मर कन्वर्टर में इंपॉर्टेंट है बच्चों ये सबसे ज्यादा, क्योंकि ये हमारे मेटलर्जी में है, ठीक है ना, राइट। किसमें है, ये हमारी मेटलर्जी, आयरन की मेटलर्जी में यूज होता है और कॉपर की मेटलर्जी में भी यूज होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। मैं इसकी रिएक्शन भी आपको अभी बता रहा हूँ कि क्या रिएक्शन होती है इसके अंदर, ठीक है ना। बट हम जब ट्रूनियन बेटा क्या होता है, जैसे ऐसे अरेंजमेंट बेटा, हाँ ये जैसे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे एक नीचे इसके ये जो ये ऐसे बॉटम पे नहीं रहता, बॉटम से थोड़ा ऊपर रहता है, और ऐसा एक यहाँ पे हिंज रहता है, राइट। तो क्या करता है ये, पहले तो ऐसे सीधा रखते हैं इसको हम, फिर बाद में यहाँ से बोल्ट के थ्रू लूज कर देते हैं और ऐसा घुमा देते हैं इसको हाथ से, तो ये उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाएगा तो मटेरियल नीचे गिर जाए, दैट इज ट्रूनियंस, क्या बोलते हैं इसको, ट्रूनियंस कहते हैं इस अरेंजमेंट को, ठीक है, राइट। तो इसमें कॉपर और किसकी करते हैं, वो करते हैं कॉपर और सिल्वर की, सॉरी कॉपर और आयरन की क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं इस मेथड में, राइट, ठीक है। देखिए क्या है बेटा, अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, ठीक है ना, और आपको ये मेटल डंप करना है, ठीक है ना, तो इसका वेट बहुत ज्यादा होगा, इजीली नहीं होगा कि आप हाथ से ऐसे इसको गिरा दें। सो दिस मीन्स इसको गिराने का आपको कुछ मैकेनिकल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो मैकेनिकल अरेंजमेंट क्या किया, कुछ ऐसा बना दिया हमने प्लेटफॉर्म, ऐसा कुछ एक अरेंजमेंट कर दिया ये। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरा ऑडियो नहीं आ रहा बेटा क्या आपको, मेरा ऑडियो आ रहा है बच्चों की नहीं आ रहा है, क्लियर है बेटा, राइट, ठीक है, ओके। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है, तो यहाँ पे हैंडल लगा होता है, तो हम उसको क्या करके ऐसे हैंडल को घुमा के इसको क्या कर देते हैं, ऐसे टिल्ट हो जाता है, थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा और मटेरियल सारा गिर जाएगा, ठीक है ना, प्रोडक्ट सारा में मिल जाएगा। अदिति, नाउ इट इज क्लियर टू यू बेटा क्या होता है, इस अरेंजमेंट को ट्रूनियंस कहते हैं बेटा, ठीक है, राइट। चलिए, हाँ, सो इन द प्रोसेस ऑफ बेस्मराइजेशन एयर क्या करता है, ब्लो करता है फ्रॉम द मोल्टन मेटल और मेट, ठीक है ना, मेट इज अ टर्म यूज फॉर कॉपर, राइट। अभी मैं बता दूंगा मेट किसके लिए यूज करते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो प्लीज लिख लेना वहां पे, Cu2S और FeS के मोल्टन फॉर्म को क्या कहते हैं, मेट कहते हैं, क्या कहते हैं, मेट कहते हैं, ठीक है ना, राइट, एट द स्पेसिफिक प्रेशर और टेम्परेचर। अब क्या होता है, उसमें हम टेम्परेचर ऐसा मेंटेन करके रखते हैं कि इम्प्योरिटीज क्या करें, ऑक्सीडाइज कर जाएं, ठीक है ना, राइट, बट जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज ना करें, तो इट इज ऑल्सो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन, ठीक है, सो ड्यू टू विच द इम्प्योरिटी गेट ऑक्सीडाइज वेयर एज मेटल रिमेन्स इंटैक्ट, ठीक है। ऑक्सीडाइज इम्प्योरिटीज क्या करती हैं, ऊपर आ जाती हैं क्योंकि डेंसिटी उनकी कम होती है, और जो ऊपर जो कलेक्ट होता है उसको हमने क्या बोला था बच्चों, स्कम, क्या कहता है, स्कम या स्लैग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लैग या स्कम। तो जो इम्प्योरिटीज ऑक्सीडाइज इम्प्योरिटीज हैं, ऑक्सीडाइज इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, ठीक है, इट कैन बी एसिडिक, इट कैन बी बेसिक ऑल्सो, दोनों हो सकती हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों हो सकती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, स्लैग और स्कम कहते हैं, ठीक है ना। इन दिस प्रोसेस या दिस प्रोसेस यूज टू रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम पिग आयरन, क्या है, पिग आयरन, राइट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, पिग आयरन, हम आयरन की मेटलर्जी में डिस्कस करेंगे। जब ब्लास्ट फर्नेस से, राइट, ब्लास्ट फर्नेस से जब आयरन निकलता है तो उस आयरन को पिग आयरन कहते हैं, क्या कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं। क्यों पिग आयरन कहते हैं, राइट,
वो हम बाद में देखेंगे, बाद में बताऊंगा मैं पिग आयरन क्यों कहते हैं। जस्ट पिग इसलिए कहते हैं, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको, क्योंकि जो ब्लास्ट फर्नेस है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो एक मोल्ड के फॉर्म में दी जाती है, राइट। ये ऐसा ऐसा मोल्ड होता है ऐसा, तो जो भी आयरन आपको मोल्टन फॉर्म में निकलता है उसको हम इस फॉर्म में कास्ट कर देते हैं, ऐसे बार बना देते हैं ऐसे। तो ये कुछ पिग शेप का लगता है, क्या लगता है, पिग शेप का। तो जो कैपेसिटी है, कितने पिग ब्लास्ट फर्नेस पर डे या पर आवर बना रहा है, ठीक है ना, राइट, उससे हम क्या करते हैं उसकी कैपेसिटी नापते हैं ब्लास्ट फर्नेस की। तो ब्लास्ट फर्नेस की जो कैपेसिटी है दैट वाज गिवन इन टर्म्स ऑफ पिग, ठीक है। फोर्थ लाइन बेटा, यहाँ पे फोर्थ लाइन में ये लिखा हुआ, ड्यू टू विच द इंप्योरिटीज गेट ऑक्सीडाइज वेयर एज द मेटल रिमेन इंटैक्ट। मेटल ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, इंप्योरिटी ऑक्सीडाइज कर देंगे, ठीक है ना। ऑक्सीडाइज ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे सरफेस पे, जिसको क्या कहेंगे हम, स्कम कहेंगे, क्या कहेंगे, सॉरी स्कम कहेंगे या स्लैग कहेंगे, अगर आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, राइट। सो पिग आयरन एंड कॉपर के लिए, राइट, पिग आयरन मैंने बता दिया क्या होता है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हम आयरन की मेटलर्जी पढ़ेंगे, ठीक है। सो रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट बच्चों, ये मैं अभी यहीं पे बता रहा हूँ, आई विल नॉट डिस्कस इन आयरन की मेटलर्जी में, हम वहां पे फटाफट इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, राइट। तो ध्यान से समझिएगा, तो इम्प्योरिटीज जो है वो क्या करा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लिया, जो मेटल है वो रिएक्ट नहीं किया। अब जो पिग आयरन होता है, देखिए पिग आयरन में इंप्योरिटीज मेन मेन कौन कौन सी होती है, Fe तो मेटल हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशिया, फॉस्फोरस, ठीक है, सिलिका, सल्फर, ये इंप्योरिटीज होती हैं। अब क्या होता है, मेटल तो रिएक्ट नहीं करा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो CaO बनाएगा, ये MnO बनाएगा, फॉस्फोरस P2O5 बनाएगा, SiSiO2 बनाएगा और सल्फर SO2 या SO3 बनाएगा। तो ये तो गैस हो गया, ये तो अपने आप रिमूव हो जाती है, लेकिन ये जो होते हैं ये मोल्टन फॉर्म में मिलते हैं हमें, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशिया ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सॉरी फॉस्फोरस ऑक्साइड और सिलिका ऑक्साइड, राइट। अब क्या होता है यहाँ पे, ये आपस में कंबाइन कर लेते हैं, क्या करते हैं, आपस में कंबाइन हो जाता है, कर लेते हैं, ठीक है ना, राइट। जैसे अगर आप ये एरो देख रहे होंगे, जो कैल्शियम ऑक्साइड है P2O5 के साथ कंबाइन करके क्या करेगा, सॉल्ट बना लेगा, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट बना लेगा। सिमिलरली MnO सिलिका के साथ बना के MnSiO3 बना लेगा, राइट। और फिर ये आपस में, आप यहाँ पे कैल्शियम और सिलिका भी आपस में कंबाइन करके क्या बनाएगा, CsiO3 बनाएगा। आप देख सकते हैं बच्चों इसका नेचर क्या होगा, ये क्या होगा, एसिडिक की बेसिक, ये क्या होगा, एसिडिक की बेसिक क्या हो जाएगा, बेसिक, राइट। और अगर आपसे ये पूछे ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, एसिडिक, तो दिस मींस ये क्या हो रहा है, एक रिएक्शन हो रही है, एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना, राइट। सिलिका ये भी क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, क्या होता है, ये भी एसिडिक इन नेचर होता है। तो आप देख सकते हैं एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है ना, राइट। इन्हीं तीनों कंपाउंड को क्या कहते हैं, ठीक है ना, हाँ, एसिड बेस रिएक्शन है, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। इन्हीं तीनों को क्या कहते हैं बच्चों, यही जो ऊपर जो इकट्ठा हो रहा है यही है, इसी को हम स्कम या स्लैग कहते हैं, क्या कहते हैं, स्कम और स्लैग कहते हैं, ठीक है, राइट। हाँ, तो ये देखिए इन तीनों को कंबाइन कर दिया, इन्हीं तीनों को क्या कहते हैं, स्लैग या स्कम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लैग या स्कम कहते हैं, ठीक है, राइट, क्लियर है बच्चों, राइट। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से दीजिए, देखिएगा आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि रिफ्रेक्टरी मटेरियल सच एज सिलिका। अब आप समझ में आया सिलिका का क्या और भी यूज है यहाँ पे, व्हाट इज द अदर यूज ऑफ सिलिका, अगर यहाँ पे सिलिका की लाइनिंग होगी तो सिलिका का और क्या पर्पज है, टू मेक अ स्लैग या टू मेक अ स्कम, इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। तो आयरन में अगर सिलिका पहले से प्रेजेंट नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी लाइनिंग लगा देते हैं सिलिका की, सो दैट SiO2 बन जाए और SiO2 बन के वो क्या करे, इनके साथ कंबाइन करके क्या बना ले, स्कम बना ले, ठीक है, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बिट्स में क्वेश्चन आया हुआ था इसके ऊपर, Ca3PO4 होल ट्वाइस, ये क्या है, इसको थॉमस स्लैग कहते हैं बच्चों, बच्चों हाँ क्या कहते हैं, थॉमस स्लैग, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत जगह, राइट, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में इसको थॉमस स्लैग कहा गया है, कैल्शियम फॉस्फेट को, बट एक्चुअल में जो थॉमस स्लैग होता है बच्चों उसका फॉर्मूला ये होता है, Ca4PO4 होल ट्वाइस O, ठीक है ना, टेट्रा
टेट्रा कैल्शियम फॉस्फेट, क्या है? टेट्रा कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। आप देखिए ये है क्या, ये अगर मैं इसको यहां से हटा, इसको अगर हम सेपरेट करते हैं तो देखिए क्या मिला, सी ए थ्री मिला, पी कितना मिलेगा, टू मिलेगा, और ओ कितना मिलेगा, एट। और इसके साथ मैं क्या लगाता हूं, देखिए सी ए ओ लगा देता हूं, तो ये क्या बन गया, सी ए फोर पी टू ओ नाइन, या इसको ऐसे लिख दिया सी ए फोर पी ओ फोर होल ट्वाइस ओ लिख दिया। तो ये जो होता है बच्चों, ये होता है थॉमस लैग एक्चुअल। सो दिस इज अ थॉमस लैग एक्चुअल, बट बहुत जगह आपको ऐसा भी दिखेगा, तो अगर ऐसा कहीं दिखता है तो आप यस कर दीजिएगा, लेकिन अगर कहीं पे ये दिया हुआ है बच्चों और साथ में ये दिया हुआ है तो यही आंसर होगा बेटा, ठीक है ना। बेसिकली थॉमस लैग में जो रेशो होता है कैल्शियम टू फॉस्फोरस वो कितना हो जाएगा, व्हाट इज द रेशो ऑफ कैल्शियम टू फॉस्फोरस इन थॉमस लैग, 2:1 या 2:1, ठीक है, क्लियर है बच्चों, थॉमस लैग क्या होता है, क्लियर बेटा, राइट, ठीक है। सो दिस इज थॉमस लैग, या हम ऐसे कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट जो है उसके साथ में सीएओ भी है, क्या है, डॉट सीओ, दिस इज थॉमस लैग एक्चुअल, ठीक है। अब थॉमस लैग का काम क्या है, थॉमस लैग मुझे बताइए, ये जो है तो थॉमस लैग जो है ये सी ए थ्री अगर पीओ फोर होल ट्वाइस की बात करें अगर हम, या इसकी बात करें, तो थॉमस लैग मुझे बताइए ये जो स्लैग है ये बेसिक नेचर का है कि एसिडिक नेचर का है, ये बताइए, ये क्या है, वेरी गुड, क्या है, बेसिक नेचर का है, क्या है, बेसिक, क्योंकि जो फॉस्फोरस होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं कहलाया जाता, बट ये जो है आयनिक इक्विलिब्रियम में देखा होगा ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया होगा, ये वीक एसिड से आया होगा, सो दिस इज बेसिक नेचर, बेसिक्स है, राइट। तो ये क्या यूज करते हैं, फर्टिलाइजर में यूज करते हैं इसको, एज एन फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ठीक है ना, राइट, किसमें यूज, कैसे यूज करते हैं, फर्टिलाइजर से। अब क्या होता है, आपने सुना होगा मे बी, या आजकल सर्वे भी चल रहा है, कुछ कंपनीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हायर किया है टू चेक द नेचर ऑफ द सॉइल, क्या है, नेचर ऑफ द सॉइल पता करने के लिए कि सॉइल एसिडिक है कि बेसिक है। कभी कभार आपने देखा भी होगा, कभी प्रधानमंत्री ऐसा बोलते भी हैं, मोदी जी ने बोला भी है, राइट, या पुराने टाइम में दूरदर्शन में कृषि दर्शन आता था, उसमें जाकर वो बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये बेसिक सॉल्ट है, तो अगर आपके पास एसिडिक सॉइल है तो उसके लिए ये बेस्ट फर्टिलाइजर होता है, क्या होता है, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिक सॉइल को, तो इट इज अ वेरी गुड फर्टिलाइजर, ये इफेक्टिव फर्टिलाइजर होता है किसके लिए, एसिडिक सॉइल के लिए, बट इतना इफेक्टिव नहीं होता किसके लिए, बेसिक के लिए, इसके लिए बेसिक के लिए, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इट इज अ बेसिक स्लैग, इट इज यूज एज एन फर्टिलाइजर ड्यू टू इट्स हाई बेसिक इफेक्ट, इट इज यूजफुल फॉर एसिडिक सॉइल, लेस इफेक्टिव फॉर एल्कलाइन सॉइल, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट। किसी ठीक है, राइट। नेक्स्ट चीज बच्चों, कॉपर, कॉपर में क्या होता है, कॉपर में अगर आपको याद है कॉपर का हमने बताया था, पता कैसे चलेगा बेटा, निशान था Ca3PO4 होल ट्वाइस, आप देखिए बच्चों, हाँ कहता है हमेशा बेस से आता है, एनायन हमेशा एसिड से आता है सॉल्ट में बच्चों, तो ये जो होगा कैटायन ये आया होगा CaOH होल ट्वाइस से, और ये आया होगा H3PO4 से, मुझे बताओ ये क्या निशान थी, स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है बेटा, बताओ, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, वीक एसिड है, तो इसका मतलब जो इनको कंबाइन करेंगे, स्ट्रॉन्ग पार्ट वाला ही नेचर डिसाइड करता है सॉल्ट का, तो इसका मतलब इसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा, क्लियर है निशांत, ठीक है, राइट। आई डोंट नो विशाल आप क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, चीना मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, आई एम नॉट, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, अगर आपको याद है, नहीं ऐसा नहीं होता बेटा, है ना, ठीक है, राइट, चूना नहीं डालते खेतों में, चूना सड़क पे डालते हैं बेटा, ठीक है, राइट। अब क्या होता है Ca2, राइट, अगर आपको याद है हमने बोला सेल्फ रिडक्शन ऑफ कॉपर, सेल्फ रिडक्शन ऑफ कॉपर टेक्स प्लेस इन बेसमर कन्वर्टर, अगर आपको याद है, मैंने लिखवाया भी था, आप नोट्स में देखा भी होगा, राइट। तो होता क्या है, Cu2S का सेल्फ रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे पार्शली ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है ना, और Cu2O मिलता है, राइट, और SO2 मिलता है साथ में, क्या मिलता है, SO2, बट पार्शली होता है, तो इसका ना जो अनरूस्टेड ओर है उसको फिर से रूस्टेड ओर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्योर कॉपर मिल जाता है और SO2 रिमूव हो जाता है, ठीक है ना, राइट। अब आपको याद है कॉपर पाइराइट इज अ मेन ओर ऑफ कॉपर,
तो उसमें FeS था कॉपर मेट, मैंने अभी बताया था उसके साथ क्या होगा FeS होगा, यहाँ पे FeS क्या होगा इम्प्योरिटी होता है, क्या होता है इम्प्योरिटी होता है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है आपको क्या मिलता है FeO और SO2 मिल जाता है, क्या होता है FeO और SO2। और अगर आपको याद है अभी मैंने बोला था सिलिका की लाइनिंग होती है, अब आप समझ सके होंगे सिलिका की लाइनिंग क्यों होती है, क्योंकि वो क्या होता है SiO2 बनाता है, SiO2 क्या करता है FeO के साथ FeSiO3 बनाता है स्लैग बेटे, क्या बोलते हैं स्लैग, ठीक है। तो मुझे बताइए ये चीज कि अगर कॉपर है तो सिलिका जो है वो वहां पे यूजफुल है कि वे कि मतलब जो सिलिका है वो इम्प्योरिटी है कि कुछ और है, कॉपर की मेटलर्जी की बात करें तो, हाँ तो वो यूजफुल मतलब क्या है उसको हम यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, आंसर है क्या है सिलिका इज यूजफुल इन कॉपर मेटलर्जी, कॉपर की मेटलर्जी में यूजफुल होगा बच्चों क्योंकि वो आयरन को रिमूव कर रहा है। लेकिन अगर यही हम आयरन की मेटलर्जी पढ़ेंगे तो वहां पे सिलिका क्या हो जाएगा यूजफुल होगा कि नहीं होगा, नहीं वो यूजफुल नहीं होगा। सो दिस मींस कॉपर की मेटलर्जी में सिलिका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कॉपर की मेटलर्जी में, यस राइट। तो आप अगर नहीं होगा तो आपको ऐड करना पड़ेगा, और यही आयरन की मेटलर्जी में अगर सिलिका हो तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको रिमूव करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा रिमूव करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, हाँ ध्यान रखिएगा कि जो सिलिका होता है वो दोनों में मिलता है हमें, ठीक है। अब बात आती है बच्चों स्लैग, है ना, ठीक है ना, सॉरी फ्लक्स शायद मैंने बताया था, ठीक है ना, राइट। जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स बेसिकली क्या होता है बच्चों, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए बच्चों हाउ मच टाइम इज लेफ्ट बेटा, कितना टाइम है हमारे पास, जीरो बेटा, चलिए बेटा हाँ कल मुझे याद दिला दीजिएगा, कल हम डिस्कस करेंगे बेटा फ्लक्स के बारे में क्या होता है, राइट, ठीक है। मुझे बस एक बार ध्यान दिला दीजिए, याद दिला दीजिएगा, ठीक है, क्लियर है बेटा, समझ में आया बेटा कि नहीं आया आपको ये सारे प्रोसेस मुझे बताइए ये, राइट, ठीक है राइट, क्लियर बेटा, राइट, थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ तो कल हम जो रिमेनिंग प्रोसेस है बेटा वो एक दो प्रोसेस है वो हम डिस्कस करेंगे, और बाद में अगर होपफुली कल हम मेटलर्जी भी डिस्कस करेंगे। हाँ जी बेटा पीडीएफ भेज देता हूँ बेटा, मैं अभी भेज रहा हूँ आपको पीडीएफ, नोट्स अभी भेज रहा हूँ बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू।